13 का आज 13वां मैच होने वाला है मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच में। ये मैच दोनों ही टीम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। मुंबई इंडियंस जो पिछले सीजन की विजेता टीम है, वो इस सीजन में भी जीत हासिल करना चाहेगी और इसके लिए अपने खिताब को बचाने के लिए वो पूरी कोशिश और पूरी मेहनत से लगी हुई है। लेकिन अगर सवाल जो सबसे पहला सबके मन में उठ रहा है वो ये है कि आखिर आज का मैच जीत कौन सकता है, तो चलिए दोस्तों मेरे यानी कि वैशाली गोगिया के साथ जानते हैं कि आखिर आज का ये मैच जीत कौन सकता है। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है जो फिलहाल पॉइंट्स टेबल में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बैट्समैन अच्छे हैं इनके पास, बॉलर्स अच्छे हैं और कीपर्स भी काफी अच्छे हैं। पिछले अपने कई मैच वो जीती भी है और लास्ट सीजन की तो विनर थी, तो इस सीजन में भी और आज के मैच में भी वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है और हो सकता है कि आज का मैच मुंबई इंडियंस ही जीत जाए। लेकिन अगर बात की जाए किंग्स 11 पंजाब की, तो ये भी एक बेहतरीन टीम है। यहाँ पर काफी अच्छे विदेशी खिलाड़ी मौजूद हैं, काफी अच्छे बैट्समैन हैं, काफी अच्छे बॉलर्स हैं और कीपर भी काफी कमाल है। तो हमारा कैलकुलेशन ये कहता है कि आज के मैच की विजेता होगी मुंबई इंडियंस, या फिर हो सकता है कि ये मैच बराबरी वाला हो या फिर पासा पलट दिया जाए किंग्स 11 पंजाब की तरफ से। आपको क्या लगता है, क्या कहता है आपका विचार, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप तो किसी और भी कई खबरें जानकारियां लगातार पहुंचाते रहेंगे। ऐसे ही आईपीएल 2020 से जुड़ी हर एक अपडेट खबर के लिए चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा आईपीएल 2020 की हर एक मैच में टीम का प्लेइंग 11, मैच की हाइलाइट्स और ऐसी और भी कई जानकारियां मिलेंगी। तो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।